इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ हैं। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक्शन मोड जारी है। जी हां, दरअसल सीएम शिवराज लगातार अपराधियों को किसी भी कीमत पर न छोड़ी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। साथ ही जल्द एमपीपीवी के तहत 5000 पुलिस की भर्ती की जाएगी। पुलिस की गतिविधियों की तारीफ करते हुए उन्होंने अपराधियों के खिलाफ इंदौर, रतलाम, भोपाल, उज्जैन, सिवनी, रीवा और शहडोल जैसी जगह पर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बहन बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ ही साथ उन्हें सजा दिलाई जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि अपराधियों पर चौकसी और शक्ति के लिए पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता पड़ रही है। जल्दी मध्य प्रदेश में पुलिस फोर्स के 5000 पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि एमपीपीईबी पुलिस भर्ती में 50% अंक फिजिकल, 50% लिखित परीक्षा के होंगे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अद्भुत तकनीक का उपयोग किया जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने शराब की दुकानों की, पूजा स्थल, स्कूल और महाविद्यालय से दूरी के संबंध में भी आवश्यक नियम को कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। ऐसे स्थलों से दूरी ही शराब की दुकानें होनी चाहिए। स्कूल, महाविद्यालय और पूजा स्थल के आसपास शराब की दुकानें रखने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। सीएम शिवराज ने प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को चिन्हित करने पर भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन आरंभ किया जाए। तो ये अपडेट लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।